हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रसामिक्स में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी और क्विक और बजट फ्रेंडली DIYs। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ क्विक वाले, इंस्टेंट वाले जो होते हैं वो वॉल डेकोर शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल ये सर्कुलर वाले वॉल डेकोर्स कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड कर रहे हैं, तो जो मैं यहाँ पे DIY करने वाली हूँ बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली होने वाले हैं, और बिगनर्स हो या बहुत ज़्यादा आपका ड्राइंग आर्ट परफेक्ट नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। बहुत ही ट्रिकी भी है, कुछ इसी से है। तो चलिए बिना डिले स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं एवरी मंडे और थर्सडे को अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ। मेरे वीडियोस ज़्यादा क्राफ्ट रिलेटेड होते हैं, कभी कभी छोटे मोटे ब्लॉगिंग्स भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और कुकिंग रिलेटेड जो रेसिपीज़ कुछ होते हैं जो मैं खुद बनाती हूँ वो शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है और उस पर रैंडम कुछ सर्कल बना लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी बड़े छोटे सर्कल्स ले सकते हैं। नंबर्स भी सर्कल्स के आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, आपको जितने चाहिए उतने आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सर्कल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक प्रिंटेड पेपर लिया है जो आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप से या स्टेशनरी शॉप से ईजिली मिल जाएंगे। तो उसे इस तरह से सर्कल कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर दिया है। देखिए, इस तरह से हमें इसे नॉर्मल ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। तो ये हो गया हमारा एक वॉल डेकोर रेडी। नेक्स्ट के लिए मैं सेम ही तरीके से इस पे यहाँ पे क्लोथ ऐड करने वाली हूँ। जो भी फैब्रिक आपके घर में कुछ पुराने फैब्रिक हैं जिसके प्रिंट्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप उन्हें यहाँ पे पिक कर सकते हैं और इस तरह से कट कर लीजिए, रफली कट कर लीजिए। बिल्कुल भी ज़रा भी ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजिली रफली कट करके यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से ये बहुत ईजिली स्टिक भी हो जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टडी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से मैंने यहाँ पे इन्हें स्टिक कर लिया है, सेम उसी तरह जिस तरह से हमने पेपर को स्टिक किया है। सेम ही प्रोसेस दोनों में फॉलो करना है और स्टिक करते जाना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा वॉल डेकोर रेडी। तीसरा वॉल डेकोर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से सर्कल लिए हैं वाला कार्डबोर्ड लिया है, और इस तरह से छोटे छोटे कार्डबोर्ड से ही मैंने पिक्स के शेप में कट कर लिया है और सबको फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दिया है। स्टिक करने के बाद यहाँ पे सबको काट करके जो एक्स्ट्रा साइड्स थे वो मैंने निकाल दिया है, और फिर यहाँ पे ये जो नैपकिन होते हैं किचन नैपकिन वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और उसे फेविकॉल की हेल्प से इस पर स्टिक कर दिया है। और स्टिक करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा वुडन वॉल टेक्सचर देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ करी हूँ। कलर कॉम्बिनेशंस, कलर बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर। तो यहाँ पे ये मैंने जो हाउस आपने अभी देखा वो मैंने एयर ड्राई क्ले से, जो सिल्क का क्ले होते हैं फेविक्रिल के, उनसे बनाया था और उसे पेंट कर लिया था। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सेम कार्डबोर्ड से भी एक हाउस का स्ट्रक्चर कट करके उसे पेंट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे रैंडम मैंने कुछ ड्राइंग्स बना लिए हैं, और ये 3D आउटलाइनर से मैं इस पर कोटेशन लिख रही हूँ। तो मैं इस पर बहुत ही सिंपल सा कोटेशन लिख रही हूँ, वेलकम टू आवर हैप्पी प्लेस। और फिर हॉट ग्लू की हेल्प से यहाँ पे मैं ये जो एयर ड्राई क्ले का मॉडल था वो यहाँ पर स्टिक कर दिया है। तो ये देखिए, हमारा ये थर्ड वॉल डेकोर रेडी हो गया। फोर्थ वॉल डेकोर बनाने के लिए भी मैं फ्री हैंड से कुछ पेंट ही करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट के साथ पिंक मिक्स करके, यानी कि थोड़ा सा बेबी पिंक कलर क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने थोड़े से डार्क पिंक के साथ इसके बॉर्डर्स हाईलाइट कर लिए हैं, और अब मैं इस पर फ्री हैंड से एक ड्राइंग करने वाली हूँ। तो मैं इस पर ड्रॉ करने वाली हूँ लोटस। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राइंग यहाँ पे कर सकते हैं, मैं एक लोटस ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से फैब्रिक कलर यूज़ किए जा रहे हैं, जो भी मैं कलर्स कर रही हूँ यहाँ पे यूज वो फैब्रिक कलर्स ही हैं। तो इस तरह से फैब्रिक कलर को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे सारे ड्राइंग बना लिए हैं फ्री हैंड से बिल्कुल। ये लोटस जो है काफ़ी ईजीली बन जाते हैं।
तो यहाँ पे नेक्स्ट जो बना रही हूँ मैं, यहाँ पे एक फेस बनाने वाली हूँ, तो सेम उसी तरह से मैंने पेंट कर लिया एक्रेलिक कलर यूज़ करके। इसका स्काई ब्लू मैंने इसका बेस रखा है और इस तरह से एक फेस का स्ट्रक्चर बनाकर उसे पेंट कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट वॉल डेकोर बनाने के लिए मैं यहाँ पे डार्क ब्लू कलर यूज़ करी हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से पहले इस पर एक रैंडम ड्राइंग बना ली है, कुछ लीव्स पेटल्स फ्लावर्स बना लिए हैं, पर इस पर सॉरी कुछ दिख नहीं रहा, उतने अच्छे से सूट नहीं हो पाया है। तो देखिए उस तरह से उस लीव्स और पेटल को छोड़ते हुए मैं इसे इसके बेस पर ब्लू कलर पेंट कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा बेस पेंट हो चुका है, अब मैं काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ, तो यहाँ पे एक लेते हैं छोटा सा भुट्टा ब्रेक। मेरा भुट्टा बन के आ गया है, तो उसके ब्रेक के बाद यहाँ पे मैं पेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके आउटलाइन के लिए गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो गोल्डन पेंट की हेल्प से हम इसका पूरा आउटलाइन डेकोर कर लेंगे, पूरा आउटलाइन बना लेंगे, और उसके बाद इसके मिडिल में फिल करने के लिए वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। वीडियो में मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप्स के आर्ट वॉल आर्ट दिखा दिए हैं, मतलब कि या तो आप इसे पेपर यूज़ करके कवर कर सकते हैं, इस तरह से सर्कुलर वॉल डेकोर बना सकते हैं, या फिर कोई अच्छे फैब्रिक, पुराने फैब्रिक आपके घर में वेस्ट पड़े हैं तो आप उनको यूज़ करके बना सकते हैं, और या फिर फ्री हैंड से आप कुछ पेंट कर सकते हैं, कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। इन तीनों में से जो भी आपको ईजी और सिंपल लगता है आप वो आइडिया पिक कर सकते हैं, या मेरी तरह तीनों आइडिया को मिक्स करके भी अपना वॉल डेकोर कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने पूरे को अच्छी तरह से वाइट कलर से फिल कर लिया है, और फिल करने के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट से, इस DIY से आप इससे अपने घर के किसी भी कॉर्नर को हाईलाइट कर सकते हैं, या अपने डोर के एंट्रेंस पे भी यूज़ कर सकते हैं, बालकनी डेकोर कर सकते हैं। तो आप अपनी पसंद से इसे कहीं भी यूज़ कीजिए, आपके घर के कोनों को ये तुरंत में इन्हांस कर देगा और काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।